Hello everybody, my name is Rishita Singh. First of all, I would like to thank Ranjan for inviting me to share my journey on his channel. So I would also like to share that I have a YouTube channel named Philosopher Rishita. Today in this video, I'll be sharing about how to top in first year BDS. So today in this video, we'll be discussing about your whole journey of first year. Like you guys are very new to this professional course. So सबसे पहले हमें time लगता है adapt करने में. You don't know how to write the answers. So ये सारे जो basic important चीज़ें हैं हम आज इस video में सीखेंगे how to cope up with all of that. And answer writing is one of the very important stuff जो कि आज हम अपने video में discuss करेंगे. Also you are into dentistry and अभी आप लोग new हो तो शायद आप लोगों को ये ना पता हो कि practical is foremost important in your BDS whole career. So आपको उसकी basis इस year से ही स्टार्ट करनी होती है. सो विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट प्रैक्टिकल. सो लेट्स बिगिन. सो देर आर टोटल फोर सब्जेक्ट्स इन योर फर्स्ट ईयर. दैट इज़ योर एनाटॉमी विच इज़ वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस. बट इफ़ यू प्रैक्टिस इट डेली एंड अकॉर्डिंग टू मी इफ़ यू लर्न इट डायग्रामेटिकली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजियर सब्जेक्ट एंड ईजी टू रिटेन टिल योर फोर्थ ईयर. एंड ये आपके काम भी बहुत ज़्यादा आएगा बिकॉज फर्दर आपका जो थर्ड फोर्थ ईयर है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इनका इम्प्लीकेशंस है. नेक्स्ट इज़ योर बायोकेमिस्ट्री एंड देन योर फिजियोलॉजी एंड योर डेंटल एनाटॉमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी. तो हम बात करते हैं अब डेंटल एनाटॉमी और डेंटल हिस्टोलॉजी की. डेंटल एनाटॉमी इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विद द होल एनाटॉमी ऑफ ईच एंड एवरी टूथ. सो आप डेंटिस्ट बनने जा रहे हो तो ऑफकोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द एनाटॉमी ऑफ टूथ सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट. मतलब आप जैसे जैसे फर्दर ईयर्स में जाओगे आप दांतों पर काम करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि दांत ओरिजिनली कैसे लगते हैं. तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि उसमें क्या मैलफॉर्मेशंस है. सो फॉर दैट आई फील कि आप लोगों को डेंटल एनाटॉमी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. सो मेरे अकॉर्डिंग डेंटल एनाटॉमी में आप लोगों को सारे दांत को एक जगह लिख लेना चाहिए एंड यू शुड मेक अ टेबल जिसमें आप सारे एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन साथ में डालो. दिस मेक्स द रिविजन ईजियर. मेरे पास ऐसे नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वेरी सून आई बी अपलोडिंग इट ऑन माई यूट्यूब चैनल टू. सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ योर डेंटल हिस्टोलॉजी. डेंटल हिस्टोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डायग्राम्स याद करने. तो उसके लिए आप एक अलग नोटबुक बना लो जिसपे आप सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को ड्रॉ करो, लेबल करो एंड सेम डायग्राम को सेम जगह से एटलीस्ट आप 5-10 टाइम्स बिफोर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पढ़ लो. योर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ बायोकेमिस्ट्री. फॉर बायोकेमिस्ट्री ओवरऑल आप लोगों को साइकिल्स याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप साइकिल्स की भी एक अलग नोटबुक बनाओ. आई नो आई एम साउंडिंग लिटिल नॉनसेंस बट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना होगा इफ़ यू वांट टू टॉप. अगर आपको पास करना है तो आप ऊपर से बस पढ़ के छोड़ सकते हो. सो बायोकेमिस्ट्री में सारे साइकिल्स के अलग से नोटबुक बनानी है जैसे कि यूरिया साइकिल हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया. और अब हम आते हैं अपने फिजियोलॉजी पे. फिजियोलॉजी में आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा. लाइक मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ओवरऑल डायग्राम्स जो होते हैं आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो. देयर इज़ नथिंग मच न्यू इन योर फिजियोलॉजी. आपने 11th-12th में भी आपने काफ़ी कुछ कवर करा होगा, बस उसी का डिटेल है. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट मोर देन मतलब क्रैमिंग. नाउ सपोज़ आपके एग्जाम्स को 2 months बचे हैं तो लास्ट 2 months में स्टार्ट कलेक्टिंग दी क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. पहले आप 10 markers क्वेश्चन को एक जगह पे लिखो, बस क्वेश्चंस को लिखो पहले, शॉर्ट नोट को एक जगह लिखो, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके ऐसे हर अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन को लिख लो एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग इट्स आंसर. सारे आंसर्स आप 10-15 days के अंदर लिख लो एंड देन यू रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल बिकॉज यूजली यही होता है जो क्वेश्चन चलते आ रहे हैं दी क्वेश्चन रिपीट एटलीस्ट 90-95%. तो जो एटलीस्ट सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं यू कैन नॉट मिस ऑन दैट इफ़ यू वॉन्ट टू टॉप योर यूनिवर्सिटी. डिस्कस हाउ टू रिवाइज. सो आपके स्टार्टिंग वाले सेशन में यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट वंस. मतलब आप लेक्चर लेकर आओ, उसके बाद आप एक बार ओवरऑल रिव्यू कर लो एंड जो आपके सेमेस्टर्स होते हैं सेमेस्टर्स के पहले यू स्टार्ट क्रैमिंग इट मोर. मतलब उस वक्त भी आप पूरा ना करो, एटलीस्ट ट्राई राइटिंग दी आंसर्स अच्छे से.
अब लास्ट के टाइम पे, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द वीडियो, कि आपको पहले लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट नोट को लिखना है एंड रिवाइज करना है. इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब मैंने बोला था साइकिल वाली नोटबुक आपको बनानी है, उस नोटबुक का काम अब आता है, यू नीड टू रिवाइज इट एवरी डे. और जो अगर आपने वो चार्ट बनाया है डेंटल एनाटॉमी का, तो उससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन इट हार्डली टेक्स 15 मिनट्स अगर आपने एक चार्ट में सारा लिख दिया है तो. उसके बाद फिजियोलॉजी के लिए तो करनी, मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज़ नेसेसरी, एंड फॉर योर एनाटॉमी यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस. आप ये कोशिश कर सकते हो कि जो आपके स्पेसिमेंस हैं, आप स्पेसिमेंस पे लोकेट करके उसको समझना चाहो तो पूरे साल समझ सकते हो. दैट विल हेल्प यू इन लर्निंग फॉर, मतलब रिटेनिंग इट फॉर लॉन्गर. एंड लास्ट मोमेंट में एनाटॉमी के रिविजन के लिए आप डायग्राम्स और ऐसे रिवाइज करो. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो फर्स्ट यू राइट इट डाउन, देन यू लर्न इट, एंड देन क्लोज योर बुक. उसके बाद जस्ट थिंक अबाउट द 20 पॉइंट्स विच यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन. मतलब आप पूरा बुक को बंद कर कर इमेजिन करो कि आपने क्या क्या 10 पॉइंट याद करा है, मतलब सॉरी 20 पॉइंट्स आपने क्या याद करा है फॉर योर 10 मार्क्स क्वेश्चन. एंड सिमिलरली अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट्स. सो नाउ वी विल डिस्कस ऑन हाउ टू राइट द आंसर्स. उसके लिए आई हैव मेड फ्यू वीडियोज, यू कैन रेफर टू माई यूट्यूब चैनल, आई हैव अपलोडेड सम ऑफ माई आंसर्स. बट बेसिकली ओवरऑल ये है कि आप सबसे पहले कुछ भी क्वेश्चन लिखोगे तो आपको उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले ऐड करना होता है. इंट्रोडक्शन में बहुत बार ऐसा होता है कि आपके टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन नहीं लिखा होता है. सपोजिंगली टंग, जो कि बहुत कॉमनली आपके एग्जाम्स में आता है, तो आप एक्सप्लेन करो कि इस तरह का दिखता है, इसकी लोकेशन ये है, छोटा सा 2-3 लाइन का पहले एक्सप्लेन करो. देन यू राइट इन दी हेडिंग्स, मतलब हर चीज़ का हेडिंग होना ज़रूरी है. लाइक यू आर राइटिंग अबाउट दी साइज, तो आप डायरेक्ट मत लिखो कि इसकी साइज इतनी है. यू मैंशन अ हेडिंग साइज, देन यू राइट द साइज, देन शेप, एंड देन अंडरलाइन इट. अंडरलाइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नोबडी हैज़ द टाइम टू रीड ऑल ऑफ योर आंसर्स, राइट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आपको आंसर जो एंड करना है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो डू नॉट फॉरगेट टू ऐड योर क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस एंड ट्रीटमेंट. हो सकता है आपको ये आपके नोटबुक में ना मिले, उसके लिए आप इंटरनेट या सीनियर से पूछ के उसका ट्रीटमेंट ऐड करो. दैट मेक्स योर आंसर लुक नाइस. और डायग्राम्स तो ऐड करने ही है, बाकी का बीच का जो कंटेंट होता है मोस्टली पूरी पॉपुलेशन का सेम होता है. सो आपको जो एज मिलता है वो आपके इंट्रोडक्शन और ट्रीटमेंट या क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस पे ही मिलता है. नाउ एज यू आर बिकमिंग अ डेंटिस्ट, यू मस्ट नो कि प्रैक्टिकल स्किल्स आर वेरी नेसेसरी, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर वैक्स कार्विंग इटसेल्फ. तो आपको जब फर्स्ट जैसे वैक्स कार्विंग सिखाई जा रही है, आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपको अपने टूल्स को कैसे पकड़ना है और कितना फोर्स लगा के कहाँ पे क्या करना है. एंड ऑल्सो आप जब टूथ वाक कार्विंग कर रहे होते हो, तो सबकॉन्शियसली जो टूथ का स्ट्रक्चर है, इट गेट्स इन टू योर माइंड. सो आप ऐसा कुछ चीटिंग वीटिंग वाला सीन मत करना जब आप वैक्स कार्विंग करते हो, इट क्रिएट्स ब्लंडर इन योर अपकमिंग ईयर्स. और लास्टली आई वांट टू से कि अगर आपको टॉप करना है तो यू हैव टू स्टडी थ्रू आउट द ईयर. आप फेस्ट में भी जाओ, एंजॉय भी करो, बट यू हैव टू स्टडी फॉर फ्यू आवर्स एवरी डे. थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, द लिंक टू माई चैनल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड आई होप टू सी यू ऑल गाइज ऑन माई यूट्यूब चैनल टू. बाई.